हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से एक नया दिन, नई शुरुआत, सारी चीज़ें नई। वैसे दिन तो आधा बीत ही चुका है मतलब मॉर्निंग ख़त्म होकर आफ्टरनून चल गया है। तो आज कुछ बात ऐसी है कि जैसे आप लोग को पता है लास्ट वीडियो देखकर कि मैं यहाँ पे दिल्ली में भी अकेला हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, आज मैं आपको बताऊँगा अकेले रहने के बहुत सारे फ़ायदे और आई कुकर की सीटी। हाँ, तो सीटी बंद हो गया। तो अकेले रहने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और मज़े भी बहुत हैं और सजे भी हैं। तो आज मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, आज मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। आज लाइट भी है पीछे, आप देख सकते हो, जैसे आज लाइट नहीं कटी है, इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे मौसम तो बारिश अभी हल्की हल्की हो रही है, मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा टेरेस पे से कि मौसम कैसा है और लोकेशन कैसा है आसपास का। वैसे जैसे हमारे साइड जमशेदपुर में घर वगैरह होते हैं, वैसे यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एकदम सेट सेट के सारे ने चिप लगता है ना, जैसे क्या बोलूँ, जर्मनी वाला सीन जो था वो भी अक्षय कुमार का, जैसे लास्ट वीडियो में बोला था भागम भाग मूवी का था, जिसमें जर्मनी करके सारे कार में घुस जाते हैं वैसे चिपक चिपक कर, वैसे यहाँ पे सब घर बनाते हैं। तो मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, देख के आप बताना आपको क्या फील हो रहा है। जो जमशेदपुर वाले हो तो बोलेंगे भाई इंसान याद है कैसे रहे। तो चलो आज मैं जूम टूर करवाता हूँ अच्छे से, तो कैमरा पीछे घुमाते हैं। तो ये रहा मेरा रूम जिसमें मैं रह रहा हूँ, मेरी बेड, यहाँ पे भगवान जी, और आपको अगर इधर दिखाओ तो इधर मेरा मिरर, और ये हैंडसम सा बंदा जो कि नहीं है हैंडसम। तो ये, और बाद में कि देखा जाए तो फिर यही है आपका 2 BHK का फ्लैट है। ये रहा हॉल, एक रूम उधर है वो भैया का है, उसमें भैया रहता है। तो भैया तो अभी है नहीं, वो 2 दिन में आ जाएगा वापस, अभी तक तो मेरी यही है। तो कुछ ये, और बाद में कि किचन जो आपने लास्ट में देखा था उसे मत देखना, वो कूड़े वाला आया नहीं है, कूड़े वाले को देना है। सारी बोतल जमा हो गए, देखो अकेले रहने के फ़ायदे क्या क्या, नुकसान क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। अब फ्रंट कैमरे पे आते हैं। तो जैसे कि अकेले रहने के सबसे बड़े फ़ायदे हैं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो खा सकते हो, पी सकते हो, आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, रोकने टोकने वाला नहीं है, आप खुद के मन के हो राजा। लेकिन नुकसान भी वही है कि खाने पीने के लिए आपको बनाने भी आना चाहिए बाहर का, तो खा खा के भाई पेट का ऐसा बैंड बज गया था कि नारियल पानी पी पी कर पेट ठंडा करना पड़ा है। क्योंकि दिल्ली के मसाले थोड़े डिफरेंट है हमारे साइड के मसाले से, यहाँ के मसाले थोड़े वैसे जो हमें हजम नहीं होने वाला जो हम जमशेदपुर वाले हैं, क्योंकि हमारे साइड टेस्ट बहुत अच्छे है, दिल्ली में थोड़ा टेस्ट हमें अलग लगता है, यहाँ के लोगों को वही पसंद है। यहाँ पे क्या बोलूँ, मोमोज इतने सस्ते मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, उतने में हमारे साइड मोमोज आपको देखने नहीं देंगे। यहाँ पे 20-30 रुपये के आपको फुल मोमोज मिल जाएंगे, 10 रुपये में आपको चाउमीन मिल, हाँ तो 10 रुपये में आपको हमारे साइड चाउमीन देखने को नहीं मिलेंगे कहीं, यहाँ पे 10 रुपये में आपको चाउमीन मिल जाते हैं। 20-30 रुपये में तो आपको अच्छे से चाउमीन मिल जाएगा अगर आपको अच्छा क्वालिटी का खाना और ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है। यहाँ पे आपको वो सब नसीब है, हमारे साइड वो नसीब नहीं होगा। लेकिन अकेले रहने के सबसे ज़्यादा फायदे ये हैं, आप जो चाहो वो बना के भी खा सकते हैं अगर आपको बनाना आता है तो, प्लस आप जितनी पार्टी चाहो कर सकते हो, अगर आपके फ्रेंड्स से आप बुलाओ मज़े करो, सब कुछ अच्छा है। कुकर बंद करना होगा, एक मिनट रुकना, मैं कुकर बंद करके आता हूँ। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था आपको कि अकेले रहने में फ़ायदे क्या क्या अभी बता रहा था। फायदे ये, आपको जो चाहिए आप वो घर पे कर सकते हो, रूम पे आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जैसे मेरा भी यहाँ का रूटीन बहुत ख़राब चल रहा है, मैं डेली रात में 3 या 3:30-4 बजे मैं सुबह में सो रहा हूँ, और अभी इस टाइम अभी बज रहे हैं 1:30, जैसे कि अभी 1 बजने वाले हैं। तो मैं उठता हूँ 11:30-12 बजे, मैं उठ ही रहा हूँ सोकर, रात में वेब सीरीज देख रहा हूँ, जो मन हो रहा है वो कर रहा हूँ, बस घर वाले वीडियो देखकर फ़ोन करके गालियाँ ना दे मुझे। तो यहाँ का रूटीन कुछ ऐसे ही, आपको कोई रुकने टुकने वाला नहीं है, आपको जब मन करे आप उठ सकते हो, जब मन करे सो, जब मन करे बाहर जाओ, जब मन करे वापस आओ। लेकिन अब अगर नुकसान की बात करें, भाई खाना बनाना खुद से पड़ता है सबसे पहला, कपड़ा धोने की आदत नहीं थी, कपड़ा खुद से धोना पड़ता है, यहाँ पे कपड़े धोने के लिए कोई है नहीं। घर साफ़ सफाई, सुबह उठो तो पहले झाड़ू मारो, फिर नहा धुला कर पूजा करना पड़ता है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो पूजा हो यहाँ पे कर चुका हूँ मैं,
ये एक है कि सुबह सुबह वहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता था, यहाँ पे करना पड़ रहा है, सारा चीज़ खुद से करना पड़ रहा है। तो ये एक नुकसान है, क्योंकि तो कुछ भी तो अपनी संस्कृति नहीं भूल सकते कि घर सुबह उठ के सबसे पहले घर पे झाड़ू लगना चाहिए, फिर पोछा करना चाहिए, फिर नहाकर पूजा करना है। तो अकेले रहने के ये भी नुकसान है, और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा। जैसे भी मौसम तो ऐसा है कि मैं बाहर जा नहीं पा रहा, बाहर जाऊँगा तो बाहर के वीडियोज़ बनाऊँगा आपको। ऊपर अभी टेरिस पर चल के दिखाता हूँ ऊपर के मौसम। ऐसे अगर यहाँ से दिखाओ तो देखो कुछ, अगर आपको दिख रहा हो, मैं ब्राइटनेस कम करता हूँ। ये वाला बिल्डिंग बन रहा है इसलिए इसका ये हाल है। आपको शायद दिखे तो दिखे, अभी हल्के हल्के पानी की बूंदें तो आ रही है। कुछ ये हाल है, जैसे मैं पे फोकस नहीं ले रहा, फोकस लेगा तो चलते फिर ऊपर, आपको ऊपर से दिखाते हैं और कुछ बातें करते हैं, फिर वीडियो करेंगे एंड उसके बाद। तो चलो तो चलते हैं ऊपर टेरेस पे, चलते हैं। आवाज़ तो गूंज रही होगी, मौसम तो बहुत अच्छा था, देखते हैं। वैसे लाइट कुछ ज़्यादा है यार, आपको पीछे दिख रहा होगा तो बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो देखो क्या हो गया, गद्दारी कर दे, बालकनी से दिख रहा है तो पूरा बारिश हो रही थी, और अब देखो गद्दारी कर दिया इसने तो। भाई साहब ये दिल्ली का मौसम, अब भी मस्त वाला बारिश था और अभी एक मिनट में देखो क्या हो गया। अभी इतना कड़ा धूप है ना, परछाई देखो कितनी बन रही है। आग भी नहीं खुल रहा तो यहाँ पे तो हमारे साथ गद्दारी हो गया। अब इतना गर्म मौसम लग रहा है ना, ऊपर आके आग नहीं खुल रहा, मेरा इतना ज़्यादा रॉफ नहीं है। तो मौसम ऐसे ही अगर रह गया फिर तो कोई काम ही के नहीं रहेंगे हम। तो चलो फिर देखते हैं, अब अगर मौसम तो धूप दिख रहा है, फिर बारिश ना हो, धूप रहेगा तो शाम तक मौसम सही हो जाएगा, वापस से छाव होता है। उसके बाद चलते फिर आज कहीं बाहर, बाहर चल के दिखाते हैं दिल्ली का कुछ अच्छी अच्छी जगह है, क्या पता आज कहाँ जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर करके, तो कोई ब्लॉग्स करता नहीं है तो बोल के फायदा नहीं है, बस कमेंट करके अपना प्यार दिखाते रहिएगा। बात बाकी चलते हैं नीचे वापस रूम में, जो काम था चावल बनाना सब्जी बनाना वो बनाते हैं, और अब वैसे भी 1 बज ही चुके हैं तो जाके खाना पीना चलते हैं, बनाने में भी आधे घंटे लगेंगे। तो मिलते फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।